आज का जो हम लोग का टॉपिक चलेगा क्या है, मीडियन का कौन से सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज। पिछले क्लास हम लोग क्या किए थे, मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज, और आप लोग को बताए थे इंडिविजुअल सीरीज में कोई भी नंबर्स एक होता उससे रिलेटेड नहीं बताता है कि वो नंबर्स किससे जुड़ा है। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोगों के पास कुछ डिटेल्स है डिस्क्रीट सीरीज का, इससे हम लोग को रिलेशन पता चलता है नंबर्स में कि क्या रिलेशन बता रहा है। देखिए यहाँ फर्स्ट कॉलम में जो लिखा वो क्या दिखाई दे रहा है आपको, मार्क्स, क्या दिखाई दे रहा है। अब मार्क्स कौन लाएगा, स्टूडेंट लाता है। ठीक है, यहाँ मार्क्स में हम लोग देख रहे हैं 40 मार्क्स से शुरू होके कहाँ रहा 47, है ना। तो आप देख रहे हैं 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट लाए हैं, दो स्टूडेंट, यानी कि दो ऐसे बच्चे दो सेम नंबर लाए हैं 40 40। ठीक है, और सबसे अच्छा पढ़ने में तेज 16 बच्चा है, कितना बच्चा है, क्योंकि ये 16 स्टूडेंट जो है 16 वो कितने मार्क्स ला रहे, 47 मार्क्स ला रहा है ना। तो पता चलता है कि 16 ऐसे बच्चे किसी स्कूल में है जो 47 नंबर ला के ज्यादा क्वांटिटी उनका खड़ा है यहाँ पे, है कि नहीं है। और सबसे कम कितना है, दो स्टूडेंट कितने नंबर लाए हैं, 40। तो ये हम लोग को पता चल जा रहा है जो नंबर्स है वो किससे रिलेटेड है, किससे है, मार्क्स का स्टूडेंट से। तो क्या हर सवाल में मार्क्स का स्टूडेंट से रहता है, बिल्कुल नहीं। कभी यहाँ पे हो सकता है यहाँ वेजेस लिखा हो, क्या हो, मतलब मजदूरी, और यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो क्या रहेगा, मजदूर, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्कर। क्या बोलेंगे भाई, वर्कर जो काम कर रहे हो उनको कितना पैसा मिल रहा है वो डिटेल्स भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो नंबर्स को बताएगा। अब आइए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, दो कॉलम आपको तो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है, तीसरा कॉलम आपको निकालना है, क्या निकालना है, सीएफ, क्या निकालना है, सीएफ का पूरा नाम होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या होता है। और देखिए, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग एफ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, और इधर वाला क्या है, सीएफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमेशा याद रखना कॉम्युलेटिव कैसे निकालना है। देखिए सीएफ यहाँ पे लास्ट में क्या है, एफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एफ से ही आपको निकालना है। सबसे पहले नंबर कितना लिखा हुआ है, दो, ये लिख दीजिए, उसके बाद नीचे कितना है, तीन, तो दो को तीन के साथ ऐड कर दीजिए, कितना हुआ, पांच, यहाँ पांच है ना, उसको सात के साथ ऐड करिए, कितना होगा, बारह, बारह है ना, उसको कितने के साथ ऐड करिए, कितना होगा, अब बोलिए तो बीस को किससे ऐड करेंगे, कितना होगा, तीस को किससे ऐड करेंगे, कितना होगा, बयालीस को चौदह से ऐड करेंगे, कितना होगा, बोलो 56, और 56 को कितने में ऐड करना है, 16 के साथ, कितना हो जाएगा, 70, यही ना होगा। आप क्या करिए, देखिए ये दो सवाल आपके पास, हाँ आपने सीएफ निकाला, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, किससे निकाले, फ्रीक्वेंसी से निकाले। ये जो लास्ट में नंबर है ना, कितना दिखाई दे रहा, 72। आप क्या करिए, फ्रीक्वेंसी में नीचे पे एन लिखिए, क्या लिख दीजिए, एन, एन इज इक्वल टू जो ये 72 आया ना उसको यहाँ पे लिख दीजिए, कह के आप इसको ऐड करिए, कितना आएगा, 72 आएगा। तो ऐड करने का क्या जरूरत है, जब आप सीएफ निकालिएगा तो नीचे वाला यहाँ लिख दीजिए, आप जोड़ के देख लेना वही आंसर आएगा। ठीक है, अब आइए आपको क्या निकालना है, मीडियन, क्या निकालना है, तो मीडियन का फॉर्मूला आप लोग को लिखाए थे पिछले क्लास में, एन प्लस वन बाई टू, यही होता है ना, एन कितना आपका निकला है, 72 प्लस वन बाई टू, यही होगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं जगह, तो m इज इक्वल टू 72 और 1 कितना हो गया, 73, y कितना हो गया, 2, काटेंगे तो कितना आएगा, हम लोग का 2 दिया 6, बहत्तर 36 पॉइंट कितना आएगा, 5, यही आएगा ना। अब देखिए 36.5 जो आपका एम निकला है, तो ये आपका आंसर नहीं है, आपको करना क्या है, यहां सीएफ में देखना 36.5 कहां पे आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए 36.5 तो यहां कहीं है नहीं, मगर यहां पे आप देख रहे हैं 42 जो है, कौन सा है, 42 के अंदर 36.5 होगा कि नहीं होगा, क्या 30 में हो सकता है, 30 के अंदर 36.5 तो नहीं ना होगा, 42 के अंदर होगा, 56 के अंदर भी है, 72 के अंदर भी है, सबके अंदर होगा ना, मगर आपको ऊपर से पहले चेक कर लेना है कहां पे वो सबसे पहले मिलेगा, कहां पे मिल रहा है,
42 में, कहां पे मिल रहा है 42 में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपका जो मीडियन है ना, क्या चीज मीडियन, तो आप देखें कि 36.5 किसके अंदर आ रहा है 42 के अंदर। अब आंसर कौन सा होगा, सबसे खास बात देखिए, ये मार्क्स था, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट था, ये उसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट और मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्या होता है, मार्क्स होता है, क्या होता है भाई, 42 के सामने कितना आपको दिखाई दे रहा है 45, तो आपका आंसर कितना होगा 45, समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए। ऐसा नहीं कि 42 आंसर हो जाएगा, सेफ में आंसर नहीं है, आंसर आपका फर्स्ट कॉलम उस पर होता है, ठीक है, ये डिस्क्रीट सीरीज का सिस्टम होता है। चलिए इसको बता दूं, कितना मीडियन के बारे में समझ में आया, तो आप जैसे किसी को खड़ा करके कुछ सवाल पूछेंगे मीडियन का डिस्क्रीट सीरीज में, तो चलिए आप में से एक को खड़ा करते हैं, संतोष जी आप खड़े हो जाइए। तो आप बताइए मीडियन में टोटल कितने कॉलम होते हैं? मीडियन में टोटल 3 कॉलम होते हैं, 2 क्वेश्चन में दिया रहता है और तीसरा हम लोग को निकालना पड़ता है, जिसका नाम CF होता है, उसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये बताइए मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला है? मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है m² to n+1/2। अच्छा ये बताइए कि मीडियन का आंसर कहाँ पे होगा? मीडियन निकालने के बाद जो आंसर आता है उसको हम लोग CF पे ढूंढते हैं, और उसके बाद जो आंसर आता है उसका सीधा सीधे में जो पहला कॉलम होता है वही उसका आंसर होता है। ठीक है, वेरी गुड।